गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार, मैं आकाश। अक्षय कुमार की अवेटेड फिल्म केसरी का ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया है, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और इस 3 मिनट के ट्रेलर में काफी दमदार डायलॉग्स और एक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन क्या किसी को पता है कि इसके पीछे क्या राज है और किस घटना पर आधारित है? तो आइए हम जानते हैं रोहन से। देखिए, फिल्म का ट्रेलर हम सभी ने देख लिया, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो फिल्म है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर 21 सिख जवानों ने, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा, 21 सिख शेरों ने 10,000 दुश्मन सैनिकों से युद्ध लड़ा था। ये युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। सारागढ़ी में युद्ध हुआ था, 1897 की ये बात है। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा शासन था भारत पे, तो भारत जो है पाकिस्तान तक फैला हुआ था। तो उस समय के पाकिस्तान में था सारागढ़ी, ये मतलब अभी के पाकिस्तान में सारागढ़ी है, और उस समय भारत में आता था। अफगान बॉर्डर पे 3 किले थे, उसमें सारागढ़ी किला बीच में था, फोर्ट गुलिस्तान था और फोर्ट लॉकहार्ट था। तो सारागढ़ी किला जो एक मुख्य किला था, जिससे अफगानिस्तान फोर्ट गुलिस्तान को निशाना बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो संचार के लिए था एक तरह से। तो उस समय 10,000 अफगानियों ने जब 12 सितंबर को उन पे अटैक किया, तो वहाँ पर सारागढ़ी किले पे सिर्फ 21 सिख जवान थे, 21 सिख जवान। ये गाथा उस वीरता की है, शौर्य की गाथा है, कुर्बानी की गाथा है, जिसका जिक्र भारत के इतिहास की किताबों में तो है, लेकिन भारत के बच्चों तक अभी तक पहुंचा ही नहीं। हमें बचपन से ही मुग़लों का इतिहास पढ़ाया जाता है कि कोई मुग़ल शासक आया, उसने यहाँ अटैक करा, यहाँ आक्रमण किया और ये लूट कर चला गया, अंग्रेज़ों ने हम पर इतने साल शासन करा, ये हुआ। लेकिन हमारे इतिहास को छुपा दिया जाता है। 21 सिख जवान जो उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और 36वीं बटालियन के जवान थे वो, उन्होंने 21 सिख शेरों ने 10,000 अफगानी दुश्मनों का ऐसे सामना किया था कि यूनेस्को, जिसने 8 बैटल है जो अब तक के इतिहास में हुई है, 8 बैटल जिसे मतलब सबसे खूंखार या सबसे अच्छी बैटल कहा जा सकता है, उन 8 बैटल्स में इस सारागढ़ी की बैटल को शुमार किया गया। आपको बता दें कि इस 12 सितंबर 1897 को जब 10,000 अफगानियों ने अटैक किया, अटैक करने के बाद उन्होंने जो उस समय वहाँ पर थे सिख, उन्होंने जो दूसरे किले में थे अंग्रेजी अफसर, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, सूचना दी कि इस तरह से अटैक हो रहा है और 10,000 अफगानी सैनिक इस किले पर धावा बोल रहे हैं। तो उनको ये तक कहा गया कि 21 सिख जवानों को कि सारागढ़ी किले पर इतनी जल्दी सैन्य मदद नहीं मिल पाएगी, तो आप पीछे हट जाएं। लेकिन उन 21 सिख जवानों ने, जिनके अंदर आप देखते हैं कि एक ऐसा जज्बा होता लड़ने का, जो किसी भी सैन्य मतलब किसी भी हमने किसी भी आर्मी में नहीं देखा है, अगर हम भारत की अलावा किसी और में बात करें तो वो भारत के शेर हैं, मैं आपको बता दूं। उन्होंने पीछे हटने का फैसला नहीं लिया और उन्होंने फैसला लिया कि वो डट कर इन 10,000 अफगानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने 10,000 अफगानी सैनिकों से युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने 2 बार क्या कहते हैं किले का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा वो तोड़ने में नाकाम रहे, तो उन्होंने किले की एक कमज़ोर दीवार को निशाना बनाया और उस पर धावा बोल दिया, और वो धावा बोलकर अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद ये लड़ाई जो बंदूकों से चल रही थी किले में, हमारे जो 21 सिख जवान थे उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 36वीं बटालियन के, उन्होंने जो बंदूकों से किले से लड़ रहे थे अफगानियों से, वो तलवारों पर आ गए। आप मानेंगे 10,000 अफगानी सैनिक जब अंदर घुस रहे होंगे, उन 21 सिख जवानों के अंदर अगर कोई और होता तो डर जाता, लेकिन वो एक ही चीज़ बोलते रहे, जो बोले सोनेहाल शास्त्रीय का। बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। तो जैसा कि रोहन जी आपने बताया कि 12 सितंबर को जो युद्ध हुआ था, क्या आज भी इस दिन को याद किया जाता है? बिल्कुल याद किया जाता है। हमारी सिख बटालियन इस दिन को रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे के नाम से याद करती है, और उन 21 सिख शेरों को
उन 21 सिख शेरों की जो शहादत है उनको सलामी देती है, और ब्रिटेन और इंग्लैंड में भी इस दिन को याद किया जाता है और उन सैनिकों की शहादत को सलामी दी जाती है, सल्यूट किया जाता है, उस कुर्बानी को, उस बहादुरी को सलाम किया जाता है। और मरणोपरांत उस समय ब्रिटिश एम्पायर ने इन 21 सिख जवानों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी उस समय का सर्वोच्च जो है बहादुरी का पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया था। अब बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें और इसके इतिहास को आप पढ़ें कि उन 21 सिख जवानों ने कैसे भारत के लिए कुर्बानी दी और कितना भयंकर और कितना बहादुरी भरा युद्ध उन्होंने लड़ा। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी। जैसा कि आपने इस फिल्म के बारे में जिसका इतिहास बताया, अब देखना यह है कि अनुराग सिंह जो इसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं ये इस फिल्म में क्या दिखाते हैं। अब इस फिल्म का इंतजार रहेगा। आज तीनों किले हमारे हाथों में और इन किलों के सारे सिक्कों के पगड़ियां हमारे कदमों में। चल झूठा।